अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू मेरे प्यारे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी और ईरान की दोस्ती हुई शुरू। राष्ट्रपति ने बोले सऊदी और ईरान अब भाई भाई, और उन्होंने क्या क्या बोले हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो प्यारे दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों से गुजारिश है कि दिल से वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल वर्ल्ड इन्फो न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरा हर पहला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो। दोस्तों पूर्व ईरानी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद ने सऊदी अरब की न्यूज चैनल अल अरबिया को दिए एक बयान में कहा है कि सऊदी अरब और ईरान को भाई भाई और पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा है कि दोनों देशों में उनके मतभेदों की तुलना में एकजुट होने के लिए अधिक संबंधता है। उन्होंने कहा है कि मैं सऊदी अरब और ईरान के बीच प्रतिद्वंदितों को दोनों पक्षों के हितों के लिए हानिकारक मानता हूँ। हम भाई और पड़ोसी हैं और हमारे बीच आम विभाजक हमारे मतभेदों की तुलना में दर्जनों गुना अधिक है। अहमदीनेजाद ने कहा है कि तेहरान और रियाद को क्षेत्र के प्रबंध के लिए एक साथ सहयोग करना चाहिए। उसके बाद इस दौरान पूर्व ईरानी राष्ट्रपति ने यूरोपीय संघ के समान एक क्षेत्रीय संघ की स्थापना का भी आह्वान किया है, यह देखते हुए कि यूरोप ने संघ के अनुभव तक पहुंचने से पहले लंबे समय तक का संघर्ष किया अपने लोगों के लाभ के लिए। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय ताकतों इस क्षेत्र को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है जो ऊर्जा और संस्कृति में समृद्ध है। ये ताकतें इसे नियंत्रित करने के मकसद से क्षेत्र में समस्या खड़ी कर रही है। वही दोस्तों आपको बता दें कि अहमदीनेजाद ने अल अरबिया से कहा है कि इस क्षेत्र की क्षमताओं पर हावी होने के लिए एक भी शक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। तो प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आप लोग खुश हैं कि ये सऊदी और ईरान की दोस्ती शुरू हो गई? तो अगर ये खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें कि देखते हैं कितने लोग खुश हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम।